नमस्कार दोस्तों, मनी हाइस्ट में अगर प्रोफेसर के बाद अगर कोई कैरेक्टर है जिसको लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और स्क्रीन पर सबसे ज्यादा जिसे देखना अच्छा लगता है दोस्तों, तो वो कैरेक्टर कोई और नहीं, खुद बर्लिन है। बर्लिन का कैरेक्टर, जी हाँ दोस्तों, जिसे आप एक मिस्टीरियस कैरेक्टर भी कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बर्लिन जैसे कैरेक्टर और दमदार कैरेक्टर की मौत इतनी जल्दी कैसे हो जाती है? आपको बता दूं कि उसकी मौत सीजन 2 के एंड में ही हो जाती है। तो वो पूरा स्टोरी बताने वाला हूं दोस्तों कि आखिरकार उसे मारना क्यों पड़ा मेकरो द्वारा। ये स्टोरी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मनी हाइस्ट एक स्पेनिश सीरीज है जो कि यहाँ पे बता दूं एलेक्स पीना के द्वारा क्रिएट किया गया है, जो कि स्पेन में दोस्तों बतौर सीरियल जैसे इसे रिलीज किया जाता था। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं कि जैसे भारत में साथ निभाना साथिया सीरियल आता है, वैसे ही इसे वहाँ पे लोकल चैनल पे स्ट्रीम किया जाता था पर एपिसोड वाइज। लेकिन दोस्तों, जो इसका रिस्पॉन्स था वो बिल्कुल ढीला ढाला था। मेकरो को दोस्तों इस पर जितना खर्च होता था उससे उतनी कमाई भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए मेकरो ने यह निर्णय लिया था कि इस सीजन को केवल 2 ही सीजन तक सीमित करेंगे। जैसे ही सीजन 1 यहां पे समाप्त होता है दोस्तों, तो बहुत लोगों का ये डिमांड आने लगता है, बहुत लोग इंटरनेट पे ये ट्रेंड चलाने लगते हैं कि बर्लिन का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल हटा दिया जाए, उसे बिल्कुल सीरीज से हटा दिया जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि सीजन 1 और सीजन 2 में जिस तरीके का साइको कैरेक्टर रहता है कि कभी भी कुछ भी कर सकता है बर्लिन, वो कैरेक्टर का जो एंगल होता है दोस्तों वो लोगों को वहाँ बिल्कुल पसंद नहीं आता। और लोगों ने यह मांग की थी मेकरो से कि ये जो कैरेक्टर है बर्लिन का, उसे जल्द से जल्द यहाँ पे कैरेक्टर का उसे हटा दिया जाए। तो मेकरो पर इतना दबाव था, इसी कारण आपको बता दो दोस्तों, मेकरो का ये प्लान था कि सीजन 2 तक बनाना ही है तो इस कैरेक्टर को मार ही देते हैं, इसलिए दोस्तों सीजन 2 के एंड में उसे मार दिया जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट जब आता है दोस्तों, जब यहाँ पे मनी हाइस्ट के सारे राइट नेटफ्लिक्स खरीद लेता है और उसे इंग्लिश सहित सभी भाषाओं में डब करके पूरी दुनिया में फैलाता है, तो ये इतना लोकप्रिय हो जाता है दोस्तों सीरीज कि अब लोग डिमांड करते हैं कि सीजन 2 के आगे भी, लोगों को मांग रहती है कि इसके आगे भी बने और जो बर्लिन का कैरेक्टर है उसे दोबारा लाया जाए। क्योंकि दोस्तों जब वो मौत होती है उसकी, तो वो सभी लोगों को बचा के मरता है, तो लोगों को खासा पसंद आता है उसका कैरेक्टर और लोगों की अब उल्टी डिमांड रहती है। पहले और दूसरे सीजन में कहा जा रहा था कि उसके जल्द से जल्द मार दिया जाए, लेकिन अब डिमांड रहती है कि बर्लिन के कैरेक्टर को जल्द से जल्द लाया जाए। इसीलिए दोस्तों सीजन 2 के आगे जब ये सीरीज बनाई जाती है तो बर्लिन की कहानी आपको फ्लैशबैक में दिखाई जाती है लगातार। क्योंकि दोस्तों ये मांग उठ रही थी वहाँ की जनता द्वारा, पूरी दुनिया के द्वारा, कि बर्लिन का कैरेक्टर अमर रहना चाहिए, उसे मारा नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अब जो मर गया था इसलिए उसे अब फ्लैशबैक में लगातार दिखाया जा रहा है। और ऐसा अब तक हो चुका है दोस्तों, आपको बता दूं कि सीजन 5 लास्ट सीजन होने वाला है इसका, लेकिन सीजन 5 तक वो आपको फ्लैशबैक में दिखता रहेगा। वॉल्यूम 2 आएगा 3 दिसंबर को और 3 दिसंबर तक आपको वो फ्लैशबैक में दोस्त बर्लिन का कैरेक्टर लगातार दिखता रहेगा।